कैसे रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो देखा, जब समझ गए होगा पीछे की लोकेशन देख के, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली, सारी सुपर बाइक दिखाई है। तो ये भैया बताइए आपके बारे में, हेलो भैया, तो भैया कल हमारे व्यूअर्स को अपनी शॉप के बारे में बता दीजिए और अपना नाम बता दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम गुनीत है एंड मैं यहाँ पर एज अ वर्किंग हूँ एंड एक्सट्रीम मशीन दिल्ली, पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे फाइनेंस एंड सबसे बिगेस्ट शोरूम है। और ये बात भी मैंने बिल्कुल सही, अच्छा कलेक्शन ना मैंने अभी तक किसी शॉप में नहीं देखा सुपर बाइक्स का। सुपर बाइक्स की बात करूँ, हर रेंज की बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल है, लोगों के पास एक टाइगर होती है चारों, इनके पास पूरी चार चार टाइगर खड़े हुए यहाँ पे। तो भैया एक बार बता दीजिए, मिनिमम आप पे जो डील करते हैं वो कितने तक की बाइक्स में डील करते हैं? सर देखिए, अभी बेसिकली इस टाइम जो है हमारा 3.5 से स्टार्टिंग है, बट एज पर डिमांड प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। कि मतलब वो स्टॉक के हिसाब से रहता है कि कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, तो सबसे प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो भैया एक चीज़ और बता दीजिए, अगर कोई लोन वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है किसी को सुपर बाइक, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा होता है जी, और कस्टमर्स को लेनी होती है, तो कुछ लोन वगैरह की फैसिलिटीज भी है क्या? जी, लोन वगैरह की फैसिलिटी है, तो वो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना कि क्या फैसिलिटीज होने वाली है लोन वगैरह की। और भैया एक चीज़ और पूछनी है कि अगर जैसे दिल्ली से बाहर का कोई कस्टमर आपसे लेने आता है, तो उसको ट्रांसफर वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ से प्रोवाइड करा दोगे आपसे? आपने सर हमारी जो डीलिंग है वो ऑल ओवर इंडिया चलती है। ऑल ओवर इंडिया चलती है आपकी डीलिंग? हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से बाइक सेलिंग परचेजिंग दोनों करते हैं। सेल परचेज दोनों में, आपके पास तो सुपर बाइक तो आप उनको यहाँ पे इनके पास सेल भी कर सकते हो, खरीदना चाहते हो तो यार आपके लिए पूरा भंडार है, ठीक है? तो वन बाय वन करके वीडियो पूरी देखना, इतनी बढ़िया यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा स्टॉक था इसलिए अच्छी वीडियो बनी है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और जो लोग चैनल पर नए उनसे बोल रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहले आपको यहाँ पे मैं बाइक दिखा देता हूँ, टाइगर भी है इसका। कितने से स्टार्टिंग हो जाती है टाइगर की अपने पास? ये हमारे पास बेसिकली अभी 4 से 5 टाइगर है। हाँ जी, तो जिसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज है टाइगर की वो 8 लाख से। अच्छा, 8 लाख रुपये से। ये देख लो, आपको टाइगर दिखा देता हूँ मैं, मतलब ये वाला वेरियंट मिलेगा 8 लाख का, ये देख सकते हो आप, पूरी आपको दिखा देता हूँ मैं पूरा ओवरव्यू। ये भी है 2015 मैन्युफैक्चरिंग, 16 रजिस्टर्ड है। अच्छा, 2015 मैन्युफैक्चरिंग और 2016 की रजिस्ट्रेशन है जी। और कितना चली हुई है, ड्राइवन कितनी है? ये भी है 25,000 किलोमीटर। 25,000। ये देखिए, और भी यहाँ पे मॉडल्स हैं जी हमारे पास, टाइगर XRX जो है। हाँ जी, हमारे पास XE A है और XE X3 है हमारे पास। तो लगभग टाइगर के सारे वेरियंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद अब हार्ले डेविडसन की तरफ चलते हैं। देखिए, हार्ले डेविडसन के भी काफ़ी सारे मॉडल्स मैंने देखे हैं यहाँ पे। भैया कितने से स्टार्ट हो जाती है हार्ले डेविडसन? भैया हार्ले डेविडसन जो है हमारी आयरन आती है। हाँ जी, आयरन की जो हमारे पास स्टार्टिंग है वो है 5.5 से। हाँ जी, एंड मैक्स जो हमारे पास डिपेंड करता है। हाँ जी, 7 तक 8 तक डिपेंड्स ऑन मॉडल। अब इस, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये कौन से ईयर का मॉडल है? ये भी है 2017 का जी, ठीक है। और कितना चली हुई है भैया ये? 7 लाख। ओ सॉरी। हाँ जी, ये इसका 7 लाख प्राइस है एंड 4500 चली हुई। 4500 चली हुई, बताइए ज़्यादा नहीं चली हुई है जी? कंडीशन काफ़ी अच्छी है, देखिए एकदम शोरूम कंडीशन में है। वही सारी फर्स्ट ओनर ही होती होगी इसके अंदर तो कोई। और इसके बाद बात करें, ये देखिए आपको नेक्स्ट मिल जाती है ये, इसके बारे में बताइए भैया कौन सा मॉडल है? आपकी स्ट्रीट ट्रिपल एस है। हाँ जी, काफ़ी अच्छी बाइक है, एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर में देखा जाए तो बहुत बढ़िया बाइक आती है। हाँ जी, हाँ जी, पिकअप वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, हाँ जी, प्राइसिंग बहुत बढ़िया है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी आती है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, जो ये जस्ट यहीं पे खड़ी हुई है, इसके बारे में बताइए भैया थोड़ा सा। ये भी है इंडियन स्काउट। इंडियन स्काउट, ये देखिए आपको मैं क्रूजर में, बहुत प्यारी बाइक है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल की बाइक है। हाँ जी, और कौन सी ईयर का मॉडल है भैया? ये भी है 2015 मैन्युफैक्चरिंग, 16 रजिस्टर्ड है, बाइक जस्ट चली 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर देख लो, काफ़ी मतलब काफ़ी हैवी बाइक है। उसके अलावा ये वाली हार्ले डेविडसन भी है, इसका कितना प्राइस हो जी एक बार बता दीजिए इसका भी? ये सर लिमिटेड एडिशन हार्ले डेविडसन 48 है, जिसकी okay. पूरे वर्ल्ड के अंदर 2400 यूनिट बनी थी, 24 के अंदर 203 नंबर की यूनिट ये है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, और पूरे इंडिया के अंदर अराउंड 50-60 बाइक्स जो हैं ये डिलीवर हुई थी। ओके, उसमें से एक आपके पास जी, एंड ये 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल बाइक में लमसम 1.5 लाख प्लस की एसेसरीज लगी हुई है। एसेसरीज लगी हुई है, जैसे कुछ थोड़ा सा बता दो एक बार, जैसे स्पीकर, इंजन गार्ड, एग्जॉस्ट वगैरह, कंफर्ट सीट। हाँ जी, हाँ जी, ये देख सकते हो आप। उसके बाद एक ये देखिए BMW की भी आपको यहाँ पे मिल जाती है सुपर बाइक भी, इसका इसके बारे में बताइए कौन से ईयर का मॉडल है और क्या क्या फीचर्स वगैरह थोड़े से इसके? ये भी है 2017 मैन्युफैक्चरिंग, 18 रजिस्टर्ड बाइक है। हाँ जी, एंड BMW GS 1200
बहुत प्यारी बाइक है, बहुत लिमिटेड आती है बाइक ये। ओके, और कौन सा ईयर की मैन्युफैक्चरिंग और रजिस्टर्ड है, एक बार बता दीजिए। ये 2017 मैन्युफैक्चरिंग, 18 रजिस्टर्ड। अच्छा, ये भी और बाइक चली हुई है 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर चली हुई है। बाकी कार देख रहे हो काफ़ी अच्छी है बाइक पे, देख पा रहे होंगे आप। उसके अलावा अपने पास यहाँ पे निंजा भी देखी मैंने, ये देखिए भैया, ये इसके बारे में बताइए कौन से ईयर का मॉडल, और निंजा लगभग कितने से स्टार्ट हो जाती है भैया अपने पास? कौन सी सर? निंजा। निंजा सर डिपेंड करता है, क्योंकि निंजा में 650 आती है। हाँ जी, हाँ जी, भी आती है। हाँ जी, ये 1400 है निंजा ZX 14R। सो ये जो है ये आपको कॉस्ट करेगी 15,90,000 की। 2017 का मॉडल है, जस्ट हाँ चलिए 1100 किलोमीटर, सिर्फ 1100 किलोमीटर चली हुई है। बाकी देख लो कंडीशन एकदम A1 कंडीशन के अंदर है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखो तो ये देखिए, इसके बाद आपको एक नेक्स्ट हार्ले डेविडसन की क्रूज बाइक दिखा देता हूँ। पहले पूरी वो एकदम डिटेल में दिखाता हूँ, उसके बाद पूछेंगे इसकी कौन सी ईयर का मॉडल है और रजिस्ट्रेशन वगैरह। ये इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये 2018 मॉडल है, हार्ले डेविडसन हेरिटेज। हाँ जी, हाँ जी, एंड डेली नंबर बाइक है, फर्स्ट ऑनर बाइक है, एंड यू कांट बिलीव बाइक जस्ट चली 297 किलोमीटर, दैट्स इट। ये देख पा रहे होंगे आप 297 किलोमीटर, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और बाकी आप तो को नंबर वगैरह दिखा देता हूँ। देखिए आपको काफ़ी एक अलग बाइक दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए बेस के बारे में बताइए। ये सर ट्रैम्प की बॉबर आती है, ये भी बहुत लिमिटेड बाइक्स आती है इंडिया के अंदर। हाँ जी, ये 1200cc की सिंगल सीटर बाइक आती है। हाँ जी, हाँ जी, एंड बाइक बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है। एंड बाइक में बताना चाहूँ के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, आगे पीछे LED इंडिकेटर्स, डे मीटर वगैरह लगे हुए हैं। एंड बाइक बहुत प्यारी है, रोड पर्सनल बाइक की बिल्कुल डिफरेंट है। एंड बाइक मैं आपको दिखाना चाहूँ, बाइक जस्ट चली हुई है 383 किलोमीटर। ये देख रहे हैं और भी कम है, 365 ही है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बाइक्स हैं, और मतलब एकदम न्यू कंडीशन में ही है सारी बाइक्स। इसके बाद एक इसकी बात करें तो ये कौन सी बाइक है भैया? ये सर आती है हार्ले डेविडसन की ब्रेकआउट, 2014 मैन्युफैक्चरिंग, 15 रजिस्टर्ड बाइक है। हाँ जी, एंड ये MP नंबर बाइक है, VIP नंबर है बाइक का। ओके, बाइक में लमसम 3 लाख प्लस की एसेसरीज लगी, 3 लाख प्लस की एसेसरीज लगी हुई हैं। बाकी आप ये देख पा रहे हो इसके व्हील्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। एंड बाइक हैज रन 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनर है जी। ये देख पा रहे हैं, एंड बाइक में बेंसन आइज का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, काफी लाउड है, काफी लाउड है भैया, एक बार दिखाओ जी। ये देखिए एक बार इसका जरा चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए इसकी एचडी बैटरी डाउन है, जी बैटरी डाउन है। ये देखिए काफी बेहतरीन आपको बाइक दिखा रहा हूं, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड 750। ये देखिए भैया इसके कितना किलोमीटर, कौन से ईयर का मॉडल है ये? 2017 मैन्युफैक्चरिंग, 18 रजिस्टर्ड बाइक है। हाँ जी, हाँ जी, बाइक जस्ट चली है 1400 किलोमीटर। मतलब सारे के बाद लेटेस्ट ही है, जो लेटेस्ट ईयर की भी है सारी आपके पास। मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादातर अपर मॉडल्स ही लें। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब हार्ले डेविडसन का कलेक्शन आप देखोगे ना यहाँ पे काफ़ी मिलने वाला है। इसके अलावा एक ये देखिए स्ट्रीट ट्विन, ये मिल जाएगी आपको यहाँ पे। इसका क्या प्राइस है भैया? इसका सर 6.7 लाख रुपीज़ में। और कितना किलोमीटर चली हुई है ये? सर चली है आपकी 4000 किलोमीटर चली हुई है। और ये भी 2015 का ही होगा मॉडल जी? नहीं, ये 2017 का मॉडल है, और रजिस्टर्ड भी 17 में ही है जी। और ये भी सेम है, ये देखिए सेम मिल जाएंगे आपको दोनों बाइक्स। हार्ड डेली नंबर बाइक, एंड दैट इज HP नंबर बाइक। ओके, ये डेली नंबर में मिल जाएगी, और जो ये अभी देखी थी ये HP नंबर। उसके अलावा और भी यहाँ पे देख रहे हो, मतलब बाइक सारी कवर भी करना मुश्किल हो जाएगा। ये देख पा रहे होंगे, आपको पूरा एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए मतलब आपको डिफरेंट बाइक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक ये बाइक्स है, इसके बारे में पूछते हैं जरा ये कौन सी बाइक है।
ये देखिए अभी इस वाली बाइक के बारे में बताइए, काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट लुक है इस बाइक का जी। ये कैफे से बाइक आती है ड्रैग की, हाँ जी। ये है बॉर्नविले T100, इसी में सेम आती है T120। अच्छा T120 बॉर्नविले की जो स्टार्टिंग है, हाँ जी हाँ जी, वो है 7.5 से, एंड ये 2018 मॉडल है, हाँ जी, 8000 किलोमीटर बाइक चली है। और ये इसकी बात करें तो ये सर 2017 मॉडल है, ये बाइक आपकी 4000 किलोमीटर। और इसके बाद अपने पास हायाबुसा भी होगी भैया? सर हायाबुसा अभी हमारे पास सोल्ड हो गई है, बट हमारे पास क्या है स्टॉक अपडेट होता रहता है, स्टॉक अपडेट होता रहता है, एवरी मंथ हमारे पास न्यू स्टॉक आता है। तो इसके अलावा ये देखिए आपको एक हार्ले डेविडसन, इसकी क्या कॉस्ट करेगी भैया ये? सर ये हमारे पास बेसिक रेंज आती है, हाँ जी हाँ जी, की जो है 3.5 से हमारे पास इस टाइम स्टार्टिंग है, 3.5 लाख रुपीज जी। तो मतलब यार आप लोग भी देख लो, 3-4 लाख रुपए का बजट है तो यार हार्ले डेविडसन यहाँ से आके ले जाओ, ठीक है। उसके अलावा एक ये देखिए आपको हार्ले डेविडसन जो दिखाई थी अभी, ये भी सेम है सर, ये हम सोल्ड वाला सेक्शन है हमारा, अच्छा, अलग खड़ा कर देते हैं। अच्छा ये देखिए भाई ये सोल्ड वाला सेक्शन है, आप देख लो, बस आपको ऐसे एक नज़र करा देता हूँ मैं स्टॉक, सर चलाते ये देखिए ये देख पा रहे होंगे आपको यार, मतलब ये सारी सोल्ड बाइक्स है तो इसकी डिटेल नहीं बताऊँगा आपको ज़्यादा, पर यार इस वाले की तो बता ही दो भैया। ये भैया की ST7 है, हाँ जी हाँ जी, 15 मॉडल है, बाइक 7000 किलोमीटर चली हुई है, दिल्ली नंबर बाइक है, दिल्ली नंबर बाइक है। वो भी लगभग क्या कॉस्ट होगी एक बार बताओ इसकी? सर इसकी हमारी जो आस्किंग है वो है 3.2 की, 3.2 लाख, यस। और ये देखिए एक बाइक, मतलब सारी यहाँ पे हैवी बाइक्स हैं लॉन्ग रूट पे जाने वाली हैं। मैं बताना चाहूँ ये बाइक जो है ये इंट्रूडर है 1800cc 2010 मॉडल बाइक है, हाँ जी हाँ जी, दिल्ली नंबर बाइक है, वीआईपी नंबर है इसका जी, ये देखिए 3001, ये देखिए 3001 नंबर है इसका, और दिल्ली का नंबर है जी, ठीक है। तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है,